आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कि हमारा विश जो पूरा हो रहा है। फाइनली तो हम पहुंच गए हैं डिब्रूगढ़। जे जे हॉस्पिटल आगे में है ना, आधा रास्ता में छोड़ दिया। जे जे हॉस्पिटल ले जाएगा बोल के उठाया है और आधा रास्ता में छोड़ दिया। ओह नो, अनफॉर्चुनेटली हम लोग को रूम नहीं मिला है। फाइनली रूम मिल गया। यस यस यस, बहुत गुस्सा लग रहा था साथ में हमको। ज़्यादा हाइजीन रहता है साथ में। यस, पैसा भी बच जाता है आपका। हम लोग जो एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ यू आर डूइंग? गुड एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। सबसे पहले एंड गुड मॉर्निंग। सो यार, आज का ब्लॉग जो है कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं डिब्रूगढ़ कुछ काम से। एंड यस, आज का ब्लॉग जो है थोड़ा ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है। एंड राइट नाउ इट्स 5:45 AM एंड हमारा जो जो है 6:30 से निकलेगा यहाँ से। सो पता नहीं वहाँ पे कितना बजे पहुँचेगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट विजिट होगा वहाँ पे। मैंने कभी गया नहीं है वहाँ पे। एंड सो या उम्मीद है मैं इन्जॉय करूँगी आज। एंड आज हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे एंड कैसे स्टे ओवर करेंगे, वह सब मैं अपडेट देती रहूँगी, शो करूँगी। सो या उसके लिए स्टे ट्यून एंड वॉच टिल द एंड। मिलती हूँ वहाँ पे। हाय गाइस, तो हम पहुँच गया है काउंटर एंड ये है हम लोग का आज का बस। हाँ, ये वाला वाइट कलर वाला। एंड आज अभी कितना बजे का? 6:30 को निकलेगा ना। हाँ, तो अभी हम लोग 6:30 को निकलेगा यहाँ से। एंड शी इज़ माई फ्रेंड, ये वाला। एंड हम दोनों जा रहे हैं आज को। एंड काफ़ी एक्साइटेड है कि एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कि हमारा विश जो पूरा हो रहा है, कि हम लोग फिर से सोचते हैं कि एक साथ ट्रैवल करेगा बोल के। तो या पसंद है अभी। ओके, समय मिलती है बाद में। फाइनली तो हम पहुंच गए हैं डिब्रूगढ़। एंड अभी हम होटल में अपना होटल में जा रहे हैं। वैसे बहुत दूर में हम लोग रुका था, इसलिए वहाँ से वापस हम लोग जो है टेम्पो लेके यहाँ तक आ गया है। और जे जे हॉस्पिटल का मुझे जे हॉस्पिटल बोला था, जे जे हॉस्पिटल का सामने में ही बोला है। नेचुरल होम चेरी थी। तो अनजान शहर हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब मज़ा भी लग रहा है, लेकिन बहुत अजीब सा भी लग रहा है कि कुछ भी मालूम नहीं यहाँ पे। कोई बात नहीं, आगे जाके पूछ के देखिएगा। डिब्रूगढ़ पहुँच के कैसा लगा है? लेकिन बहुत थकावट हो रहा है। हाँ, इतना भीड़ था बस में, इतना भीड़। तो बाप रे बाप, क्या बोलेगा। बहुत गुस्सा भी लग रहा था हमको ना, लेकिन कुछ बोल के कुछ भी तो नहीं बोल सकते है। और वैसे अंकल, जे जे हॉस्पिटल कहाँ में है? जे जे हाँ, जे जे हॉस्पिटल आगे में है ना। हाँ, जे जे हॉस्पिटल आगे में बोले तो वो टेम्पो वाला हम लोग इतना दूर चौकी क्यों चला गया? आधा रास्ता में छोड़ दिया। जे जे हॉस्पिटल ले जाएगा बोल के उठाया है और आधा रास्ता में छोड़ दिया। बहुत गुस्सा लग रहा है देखो। उसके बाद से शायद आज को हम लोग जो यहाँ पे स्टे ओवर करेगा। एंड देन हम लोग का जितना काम है उसको अभी होटल में हम लोग चेक इन करने का बाद से, रखने का सामान रखने का बाद से हम लोग जाएगा अपना वो काम करने। उसके बाद से हम लोग बाद में मार्केटिंग वगैरह भी करेगा। एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। और ऐसा सुना है कि आसाम में जो है मतलब कपड़ा सामान बहुत सस्ता होता है, तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि पसीकत में तो इतना दाम है, पूछो ही मत। तो यहाँ से ही खरीद लेगा, पसीकत में जो जिस नहीं खरीद पाए। तो एक्साइटेड हूँ ना, एक्साइटेड है ना। हाँ, ओह नो, अनफॉर्चुनेटली हम लोग को रूम नहीं मिला है। ये था हम लोग का बैठने का अरुणाचल चेरी थी हम बोलने लगा, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है। तो अभी वो भैया जो बोल रहे हैं कि आगे से ढूंढ लो, यहाँ पे मिल सकता है बोल रहे हैं। तो प्लीज़ गॉड करे कि, भगवान करे कि हमें यहाँ पे मिल जाए। तो शायद ये क्या होटल मोन्स्टर अरुणाचल प्रदेश ना, शायद ये वाला है। ये वाला यहाँ पे जाके देखेगा।
हम लोग को यहाँ पे एक सिंगल रूम मिला है, तो बोल रहे हैं कि टॉयलेट बाथरूम तो बाहर में है, लेकिन देख लेगा एक बार, लेकिन हो जाएगा बाहर में आने से भी। जस्ट आज रात के लिए तस्वीर बात है तो एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि इतना दूर बाहर आना जाना पूरा तकलीफ हो रहा है, तो एक बार टॉयलेट बाथरूम चेक कर लेगा, रूम भी चेक कर लेगा। ओ ये है ना, ओ ठीक है ना, हो जाएगा भैया, चल जाएगा। हाँ बाथरूम हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे चेक इन कर लिया है, फाइनली रूम मिल गया। यस यस यस, तो हम लोग जो है आज को यहाँ पे बीतेगा। एंड यस, रूम काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देखो रूम जो एक्चुअली बहुत स्वीट है, एंड देखो ये सिंगल पे आज हम दोनों एडजस्ट कर लेगा, एंड यहाँ पे जो दो आदमी भी घुसेगा आराम से ना। हाँ आसान है। यो फाइनली डिब्रूगढ़ पहुँच गया। जो हम लोग जो लंच खा लेगा उसके बाद से जो है रेडी करके हम लोग निकले अपना काम की ओर। तो मैंने जस्ट अभी अभी अपना फेस धो लिया है, एंड थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है थोड़ा सा वो फ्रेश अप हो लेगा तब तक के लिए यहाँ का व्यू देखते हैं बाहर से कैसे है। इतना थक गया है आज, इतना थक गया है पूरा। वहाँ से निकलते वक्त ना बहुत हल्का होकर निकला था, बीच रास्ते में पहुँचते पता है क्या हुआ कि आदमी जो है ना पूरा बढ़ती होते क्या बहुत गुस्सा लग रहा था साथ में हमको, क्योंकि थोड़ा बहुत सफोकेटिंग हो रहा था, बट उल्टी भी लग रहा था क्योंकि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया, सीरियसली कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ नहीं पानी तक भी नहीं पिया था। उसके बाद से मैं जब बस पे चढ़ी, उसके बाद से मैं और मेरी फ्रेंड ने कई तरह से चिप्स वगैरह एंड थोड़ा सा जस्ट दो घुट पानी पिया मैंने, उसके बाद से बस वही एंड जस्ट अभी पहुंचा। एंड अभी हम दोनों जो है वो प्रेशर पर नहीं गया, उसके बाद उसका होने का बस हम दोनों जो है थोड़ा लंच करेगा। और एक पता एक्चुअली लंच का जो है ना हम दोनों घर से बना के लाए, पता है हम दोनों का जुगाड़, क्योंकि क्यों घर से बना के लाए, मतलब पैसा बचाने का बात नहीं है, क्योंकि घर से क्यों लाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाइजीन रहता है साथ में, यस पैसा भी बच जाता है आपका। लेकिन अब अगर बहुत दिन या फिर एक हफ्ता ऐसे कुछ के लिए आया है बोलने से, तो ऑब्वियसली आप खुद से लाने का ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप जस्ट हमारी तरह बस एक दिन के लिए आए बोलने से, आप हाँ दिन का लंच के लिए आप घर से बना के ला सकते हैं, एंड इवनिंग का डिनर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम भी वही करेंगे। एंड ओ माय गॉड, सर पूरा फटा जा रहा है मेरा ना। तो हम लोग जो है देखो घर से बनने वाला सब्जी लाया है, और ये जो है राइस, एंड राइस यहाँ पे भी लाया है, एंड ये यहाँ पे जो है नींबू वगैरह है, नींबू और सब्जी, नींबू सब्जी एंड ये सलाद मख, और ये जो है पानी ऑफ कोर्स, एंड ये जो है तरह से मिर्चा, एंड यहाँ पे भी सब्जी वगैरह लाया है हम लोग ने। तो प्लानिंग अच्छा किया है वैसे, प्राउड ऑफ अस ना। और ये जो है मेरा फ्रेंड ने सब्जी बनाया है, ओ बटर एंड आलू, वाओ। और ये जो है मेरा बनाया वाला, यहाँ पे जो है हम जो है सिंपल आलू फ्राई किया है विद अनियन, एंड या सो अभी हम खाएंगे। एंड हाँ यहाँ पे जो पानी, ओ हम भी गर्म पानी लाया था फ्लास्क में, उसको उसके बाद जो गर्म पानी मेरा बैग में था, ये वाला सो ओके अभी हम खाएंगे। यस हम दोनों जो है तैयार हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा बस ओके, मेकअप वगैरह तो नहीं किया, बोले बस हाथ थोड़ा सा फेस को ठीक किया है, क्रीम श्रीम लगाया है, उसके बाद से अभी जो है हम लोग निकलेगा। तो 11:30 हो गया है अभी, टाइम थोड़ा सा लेट तो हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन हो जाएगा, देखते हैं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। तो इससे सब किस 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 किस
कीज। तो अगर मुँह निकलेगा हो गया। तो आज का हम लोग आउट पीजी है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी निकलेगा। हम लोगों को टेम्पो मिल गया है एंड ये बता रहा है कि वहाँ पे कुछ बैठा नहीं है। तो हम लोग अभी से प्लानिंग करके एक बार वो रिक्शा में जाके देखेगा, लेकिन वो रात हो गई ना, क्योंकि हम लोग का होटल से बहुत दूर है, होटल चढ़ी है यहाँ पे। नाम क्या है तो थोड़ा सा ऐसा आगे जाएगा, खुद से पेड़ से आगे जाना पड़ेगा। हाँ वैसे बहुत क्राउडेड है, हाँ, और वैसे बहुत मतलब हर तरफ, चारों तरफ ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मार्केट नहीं है, दुकान नहीं है, चारों तरफ। और यह जो है, हाँ, इसको जो है ताना चढ़ी बोल रहे हो लोग। वीरवार कैसे पार करेगा अभी? तो हम लोग जो एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, तो हम लोग जो लोकेशन मैप मतलब मैप से देखिए हम लोग जो है खुद का अंदाजा लगा के जा रहा है। पहले का हम लोग का होटल को भी हम लोग वैसे ही करके गए हैं। वैसे आप जब भी आप कहीं अनजान शहर में आप अकेला जाता है या फिर आपके पास कोई कुछ गाइड करने के लिए नहीं है, तो आप मैप से देख के जाना, क्योंकि मैप भी बहुत अच्छा मतलब काम आता है कभी कभार, लाइक ऑलवेज नॉट कभी कभार, हमेशा। तो अभी जैसे कि हम लोग फंस गया था, तो हम लोग वहाँ से देखते अभी जा रहा है। हैवी क्राउडेड है मार्केट। और जब आप अनजान शहर में ब्लॉगिंग करते हैं ना, इसका एक फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग देख के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना हम लोग उसको पहचानते हैं ना वो हम लोग को पहचानता है। लेकिन जब अपना शहर में आप ब्लॉगिंग करते हैं ना, इतना अजीब लगता है कि सब पहचानने लगे होता है, तो क्योंकि वो लोग देखने से पागल है क्या, बोल के देखते हैं।